स्पोकन इंग्लिश के साथ साथ आपको इंग्लिश ग्रामर को समझना होगा ताकि आप बेहतर इंग्लिश बोल सकें और होने वाले कॉम्पिटिशन एग्जाम को अच्छे से निकाल सकें। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिए ताकि आप अच्छे से समझ सकें। आज हम कॉजेटिव वर्ब को समझेंगे। कॉजेटिव वर्ब यानी कारणवाचक क्रिया या कारक क्रिया। एक व्यक्ति किसी भी तरह का कार्य खुद ना करके बल्कि वह कार्य किसी और से करवाता है, तो ऐसे में उस तरह के सेंटेंस को कॉजेटिव सेंटेंस के नाम से जानते हैं। कॉजेटिव वर्ब के 5 प्रकार होते हैं और इन सभी का इस्तेमाल अलग अलग सिचुएशन में किया जाता है। गेट, मेक, हेल्प, लेट, हैव। कॉजेटिव वर्ब को सेंटेंस बनाने का फार्मूला: सब्जेक्ट प्लस कॉजेटिव वर्ब प्लस पर्सन प्लस टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यह ध्यान में रखना पड़ेगा कि टू का प्रयोग सिर्फ गेट के साथ होता है और हेल्प के साथ लगाना या ना लगाना अनिवार्य नहीं होता, परंतु गेट और हेल्प को छोड़कर आप किसी भी कॉजेटिव वर्ब के साथ टू का इस्तेमाल नहीं करेंगे। गेट का प्रयोग: जब भी हम अंग्रेजी में गेट का प्रयोग करते हैं तो यह निर्जीव चीज़ों के लिए किया जाता है और ऐसे में हमें हमेशा ही गेट को वाक्य के मेन वर्ब के रूप में इस्तेमाल करना होता है और उसी वाक्य में आने वाला दूसरा वर्ब हमेशा ही वर्ब के थर्ड फॉर्म के रूप में इस्तेमाल होती है। एग्जांपल: हमें ध्यान में रखना होगा कि हम गेट का यूज वर्ब के थर्ड फॉर्म के रूप में करेंगे। जैसे रोहित ने कुर्सी खरीदवाई, रोहित गॉट द चेयर परचेस्ड। सीता ने पत्र लिखवाया, सीता गॉट द लेटर राइटन। इस तरह हम कई सारे एग्जांपल बना सकते हैं। अभी हम गेट का जो सेंटेंस बनाए हैं उसमें टू का प्रयोग नहीं किया गया है, क्योंकि इस सेंटेंस में कहीं भी काम करने वाले व्यक्ति का जिक्र नहीं हुआ है। अगर जिस व्यक्ति से कार्य करवाया गया उस व्यक्ति का जिक्र हो तो ऐसे में हमें हमेशा ही गेट के साथ टू का प्रयोग करना पड़ेगा और उसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। इस तरह और एग्जांपल से हम समझते हैं। जैसे मैंने रोहित से अपने कपड़े साफ करवाए, आई गॉट रोहित टू क्लीन माई क्लास। सुनील दर्जी से कपड़े सिलवा चुका था, सुनील हैड गॉट द टेलर टू सी हिज क्लास। हम इस तरह गेट का यूज वर्ब का थर्ड फॉर्म करते हुए कॉजेटिव वर्ब बना सकते हैं। मेक का प्रयोग: दोस्तों, हमेशा ही मेक का प्रयोग सजीव चीज़ों के साथ होता है, जिसमें मेक एक मेन वर्ब की तरह कार्य करता है और उसमें लगने वाला दूसरा वर्ब हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में इस्तेमाल होती है। एग्जांपल: सुनील ने अध्यापक से डांट पड़वाई, सुनील मेड द टीचर स्कॉल्ड। मैंने अपने पिताजी से कार खरीदवाया, आई मेड माई फादर परचेस द कार। रोहित मुझसे अपना कार्य करवाएगा, रोहित विल मेक मी डू हिज वर्क। इस तरह बहुत सारे एग्जांपल हम बना सकते हैं। मेक का यूज हमेशा फीलिंग वर्ड यानी भावनाओं वाले शब्द के साथ होता है, जैसे लॉग, सैड, वीप, क्राई, स्माइल, हैप्पी एंड अंडरस्टैंड आदि। गेट का प्रयोग: इसका प्रयोग अक्सर किसी भी व्यक्ति को आज्ञा देने या अनुमति लेने के लिए किया जाता है और इसके साथ हमेशा ही वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। एग्जांपल: उसे कमरा साफ करने दो, लेट हिम क्लीन द रूम। मेरे मित्र को घर आने दो, लेट माई फ्रेंड कम हियर। चाचा को यह बात बताने दो, लेट चाचा डिस्क्लोज दिस वर्ड। मुझे अमेरिका जाने दो, लेट मी गो टू द अमेरिका। हैव का प्रयोग: जब भी हम कोई भी कार्य किसी भी व्यक्ति को सौंप देते हैं, अर्थात कोई भी कार्य किसी को असिग्न कर देते हैं या सौंप देते हैं, तो ऐसे में हैव का प्रयोग होता है। एग्जांपल: रोहित ने मिस्त्री से एक घर बनवाया, रोहित हैड ए मिस्त्री बिल्ड ए हाउस। हमने कार मैकेनिक से
अपनी कार ठीक करवाई। वी हैड ए कार मैकेनिक रिपेयर आवर कार। इस तरह बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। हेल्प का प्रयोग, जब भी हम अंग्रेजी में हेल्प का इस्तेमाल कॉजिटिव वर्ब के रूप में करते हैं तो ऐसे में हेल्प के साथ टू का प्रयोग करना अनिवार्य नहीं होता है। इसमें आपकी मर्जी होती है, चाहे आप इस्तेमाल कर भी सकते हैं और नहीं भी। और इसके साथ हमेशा ही वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल, हमें कॉजिटिव वर्ब का सेंटेंस बनाते समय वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज कर रहे हैं, इसको हमें ध्यान में रखना होगा। जैसे, उसने मेरी लिखने में मदद करी, ही हेल्प्ड मी टू राइट। दीपक ने खिड़की खोलने में मेरी सहायता करी, दीपक हेल्प्ड मी टू ओपन द विंडो। इस तरह हम बहुत सारे एग्जाम्पल बना सकते हैं। आपको इस वीडियो में कुछ नॉलेज और सीखने को मिला होगा तो इस वीडियो को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो और अच्छे से बना सकूं। थैंक यू।